पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का चल रहा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करनाल के लघु सचिवालय के सामने जारी है, जिसमें प्रत्येक दिन प्रदेश के एक जिले से आकर कर्मचारी यहां पर अपना रोष व्यक्त करते हैं। उसी कड़ी में आज यहां जींद जिले से भी भारी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा रखी गई बातों को पूरा नहीं कर रही, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है, जिसके चलते यहां पर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग को निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग के साथ साथ अन्य मांगों को भी पूरा करने की सरकार से गुहार लगाई गई है। हम आपको बता दें कि पिछले काफी समय से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी करनाल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन कोई न कोई हर जिले से कर्मचारी यहां पहुंचकर अपना रोष व्यक्त कर रहा है। यहां हम आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले करनाल में एक विशाल प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद निर्णय लिया गया कि सीएम सिटी में प्रत्येक दिन एक जिले से कर्मचारी आकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए यहां पर अनशन करेंगे, जिसके चलते आज जींद जिले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पहुंचकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि यहां पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का धरना पिछले 10 दिनों से चल रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बागसिंह कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान करनाल, जो आज सीएम साहब उसका घेराव किया था पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल स्टेट कमेटी के आह्वान पर, हजारों लोग थे वहाँ पे, कर्मचारी थे, और आश्वासन भी दिया था सीएम साहब ने, कई बार आश्वासन दे चुके हैं लेकिन कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है ये, जो यहाँ से विधायक भारी मतों से हम लोगों ने चुन के सीएम साहब सीएम बने हैं, दुर्भाग्य ही हमारा आज हमारे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब मेन पहले तो यही कि आपसे बातचीत करने का समय दे, बातचीत का समय दे, और लंबे समय से जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनका समाधान भी करे। हर रोज कर्मचारी अटने लग रहे हैं, पीटीआई इतने दिन से बैठे हैं, आश्वासन कितनी बार दिया, और राम की बात करते हैं, राम ने कभी झूठ नहीं बोला सर, और ये झूठ एक मिनट सुनो, बात सुनो, राम की बात करते हैं, राम मंदिर बनाएंगे, राम ने कभी झूठ नहीं बोला था, और अपना राजपाट छोड़ करके भाई के उसमें, और आज ये हजारों लाखों लोग तंग हैं, आज होली कैसे मनाएंगे, 3 महीने से अटे हुए हैं कर्मचारी, पीटीआई 8-9 महीने हो गया है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है जो हमारे सीएम साहब यहाँ के सीएम साहब बने, और हजारों मतों से हमने चेंज का ये धरना चल रहा है, और हमारी मांगे हैं क्रम 20 कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दे, और पंचायती राज के कर्मचारियों का अभी वेतन नहीं किया है, जो 5500 कर्मचारी हरियाणा में काम करें पंचायती राज की ऑपरेटर, और जो नए WPO लगाए हैं उनको 25500 का स्केल, वेतन विसंगतियाँ काफ़ी हैं पीडब्ल्यूडी में, हमने पहले काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं, सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो हमने फैसला लेना पड़ा कि हम राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू किया है, और हमारा आंदोलन जब तक रहेगा तब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या कुछ मांग? मैं इंदर सिंह शौकन, जिला मैकेनिकल जिला सचिव। तो हमारी जो मांगे हैं वो किनाल गार्ड को तृतीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और पुरानी पेंशन जो नई पेंशन सरकार ने लागू किया उसको रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और महंगाई भी एक मतलब बहुत जरूरी है, सबको जरूरी है वो, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे डीजल की, पेट्रोल की, ये भी एक बहुत जरूरी है सबके लिए, आप भी इसमें खर्च करते हो हम भी खर्च करते हैं, रसोई का जो जुगाड़ था सारा बिगाड़ दिया सरकार ने, आने वाला जो समय है तो कर्मचारी इकट्ठे होकर सर कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे एक बहुत बड़ी आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी हमें। हमारा जो 10वां दिन आज मतलब पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का इरिगेशन पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल पब्लिक हेल्थ 3 मतलब ब्रांचें आई हैं जो लगातार 10वें दिन से धरना, हमारी एक ही मांग है, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हमारे को टाइम दे मिलने का, और मिलकर हमारे से बात करे जो हमारी मांगे हैं, हमारी जो दुख पीड़ा है, लेकिन सरकार बात ही करना नहीं चाहती। 15 तारीख को हमने यहाँ प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं है। जब तक हमारी इन मांगों के प्रति अच्छी तरह बात नहीं हो सकती तो हम लगातार यहाँ एक एक जिला हर रोज आएगा। आज जींद जिला का नंबर था, हम जींद से आए हैं गाड़ी लेकर के, यहाँ पहुँचे हैं 50-60 कर्मचारी, बाकी हमारा सहयोग है कर्मचारी संघ का, और जिला के यहाँ के जो करनाल के कर्मचारी बैठे हैं उनका भी सहयोग। ब्रे
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।